नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी उतरे दादागिरी पर। बिजली विभाग के कनीय अभियंता अन्य पदाधिकारियों को घंटों धूप में खड़ा करवाया। कहा, क्षेत्र की जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है और बिजली विभाग के पदाधिकारी एसी में बैठकर मस्ती कर रहे हैं, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विधायक अंसारी ने जमकर कनीय अभियंता व अन्य पदाधिकारियों को फटकार लगाया, साथ ही विभाग के एमडी को भी इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कड़ी चेतावनी दिया, कहा अगर 24 घंटा के अंदर लचर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो आंदोलन की आंधी को कोई भी रोक नहीं पाएगा। सरकार की बदनामी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सरकार को पदाधिकारी बदनाम कर रहा है, बिजली व्यवस्था पूरा लचर है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, पुराना ट्रांसफार्मर मिल रहा है, नया ट्रांसफार्मर कौन खरीद रहा है, कौन खा जा रहा है पैसा, जिससे लोगों में आक्रोश है। 15-15 दिन लाइन नहीं रहना, ये चिंता का विषय है। शहरों में 11 घंटा बिजली मिलना, ये चिंता का विषय है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? लोग हमारे आक्रोशित हो रहे हैं, विवश कर दिए हमको कि सर आप सड़क पे आई। मजबूरी में हम लोग जाकर महीजाम में जाकर हमको धरना देना पड़ा। सरकार हमारी है, बदनामी हमारी होती है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, जो पदाधिकारी हैं वो आज भी पदाधिकारी हैं, उनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। फिर बिजली पर्याप्त है लेकिन देने में कतोई कर रहा है। खाना है मेरे पास लेकिन बांटता नहीं है, केवल उगाही, केवल कमीशन, केवल पैसा। ये हमने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने कहा कि त्वरित आज पदाधिकारियों को हम खड़ा किए थे। हम बोले घर में रहोगे रे, अंदर में घुसे रहेगा, विधायक धूप में खड़ा रहेगा और तुम अंदर में घुसे रहेगा, इतना थोड़ा औकात हो गया रे पदाधिकारी लोग, ये नहीं चलेगा। हमने बुलाया, हमने कहा कि नहीं, सुधारो अपने आप को, बिजली देना होगा, पैसा देते हैं हम लोग, लोग कष्ट में है, लोग मेरा मर रहा है, बच्चा लोग एकदम तराई माम कर रहा है, अंकल करके हमसे लाइन मांग रहा है, हम लाइन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गए नियमित बिजली हम दिला के रहेंगे, हम जा रहे हैं सीएम साहब से मिलने के लिए, उनसे हम बातें करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।